बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। उसके लिए मैंने लिए हैं ये 3 गाजरें हैं, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। 3 शिमला मिर्च हैं, ये भी क्यूब्स में काटी हैं। और ये है बंद गोभी, एक छोटी बंद गोभी। अभी मैंने इसमें देगची में डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल इसमें लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी गाजर ताकि वो नरम हो जाए। इसको हल्की आंच पे आपने इसको सिर्फ फ्राई करना है, इसको पकाना नहीं है, ज्यादा गलाना नहीं है इसको, बस सॉफ्ट करना है कि इतना हो जाए कि सॉफ्ट सी हो जाए। इसमें मैंने 2 लहसुन भी डाले हैं क्यूब्स करके ताकि इसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए। इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। शिमला मिर्च और बंद गोभी बाद में डालूंगी क्योंकि ये तो फौरन नरम सी होती हैं और गल जाएंगी जल्दी, इसलिए ये पहले मैंने गाजरों को किया। ये गाजरें सॉफ्ट हो गई हैं, अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। ये 3 अदद शिमला मिर्च है वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी हल्का सा फ्राई करके फिर मैं इसमें बंद गोभी डालूंगी। अब मैं इसमें ये बंद गोभी, एक छोटी बंद गोभी है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखें कितना कलरफुल वेजिटेबल है माशाल्लाह। अब इसमें मैं 2 टीस्पून काली मिर्च,
टू टीस्पून नमक और टू टीस्पून चाइनीज नमक है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच मैंने इसकी बिल्कुल हल्की कर दी है। अब मैं इसमें चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करूंगी। फोर टेबलस्पून चिली सॉस और टू टेबलस्पून सोया सॉस। इसमें आपने अगर नमक और ऐड करना है तो आप चख के और ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें सोया सॉस टू टेबल स्पून मैंने और ऐड किया है और थोड़ी सी चिली सॉस मुझे कम लग रही है वो भी मैंने इसमें ऐड किया। इसको एक मिनट के लिए बस आपने पकाना है और उसमें बॉयल राइस ऐड कर देनी है। ये मैंने राइस को बॉयल किया हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाद में। अब मैं इसमें चावल डाल के इसको दम पे रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने सारे चावल ऐड कर लिया और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको एक दो मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखूंगी और ये बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।